हेलो दोस्तों, मैं आपको एक नोटिफिकेशन बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म निकला था हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का, उसका जो है एडमिट कार्ड का स्टेटस आ गया है, जिसका एग्जाम 10 से लेकर 20 अक्टूबर के बीच होगा और जिसका स्टेटस 1 अक्टूबर से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि देख लीजिएगा, क्योंकि दुर्गा पूजा में व्यस्त नहीं रहिएगा। और अगर दुर्गा पूजा में अगर व्यस्त रहे तो दिक्कत हो सकता है, मतलब तैयारी वारी नहीं हो पाएगा। तो फिर इसीलिए याद रखिएगा कि 10 से 20 अक्टूबर के बीच, और आपका मतलब स्टेटस तो दिख गया होगा कब होगा क्या कब नहीं होगा, तो आप देख लीजिएगा। और लास्ट में आपका फिर भी अगर 10 तारीख को भी एग्जाम है तो आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में कोशिश कीजिएगा कम से कम 3-4 चैप्टर उड़ा के जाएं, समझ रहे हैं। कम से कम मतलब इंग्लिश में वोकैबुलरी हुआ आपका, मतलब ब्लड लेसन में हुआ, नॉन वर्बल हुआ, यह सब देख लीजिएगा। और खासकर मैथमेटिक्स में मैं तो बता दे रहा हूँ, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज और आपको टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस देखिएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, झूठ नहीं कर रहा हूँ, 7 या 8 मार्क दिखाएगा ही, वो मतलब पूछेगा ही, इसलिए आप लोग देखिएगा, उसको कीजिएगा, तब बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, तब अच्छा होगा, सही होगा, तो उसको कीजिएगा। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, 10 से 20 अक्टूबर के बीच इसका एग्जाम है। और आपको तो पता ही है हेड कांस्टेबल का सैलरी क्या होता है ये सब, इसलिए थोड़ा सोच समझ के फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, और मतलब तैयारी में 10 दिन करीब, तैयारी में नहीं रिवाइज में लग जाइए। खासकर मैं भी तो अब मैं क्या कहूँ, फॉर्म तो मैंने भी फिल कर दिया है लेकिन तैयारी तो उस लेवल का नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मुझे यही जानकारी देना था, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको फिल कर दीजिएगा। और मैं बता दूँ, और एक का नोटिफिकेशन आया है तो मैं उसको बताऊँगा, अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल में फोकस कीजिए।